अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू मुमताज़ बानो व्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, आज की वीडियो काफ़ी स्पेशल है। ये देखिए मैं खा रही हूँ चिलगोज़ा। यमी। और महंगाई के साथ साथ आपको पता है, जहाँ बिजली महंगी हो रही थी, खाने पीने की चीज़ें महंगी हो रही थी, फ्रेंड्स हर चीज़ महंगी हो रही थी। और न्यूज़ आ रही थी कि ये चीज़ महंगी होगी, ये चीज़ महंगी होगी, वहाँ पर एक और चीज़ भी महंगी हो रही थी सोने के साथ साथ, जिसकी रेट चढ़ रही थी, वो था चिलगोज़ा। जी हाँ बिल्कुल, और मैं चिलगोज़ा खा रही हूँ इस वक्त, बहुत यमी है। और चिलगोज़ा खाते ही मुझे आइडिया आएगा, क्यों ना मैं अपने दोस्तों के लिए भी वीडियो बनाऊँ। तो चिलगोज़ा आपको पता है आजकल बहुत नायाब है, और हम बड़ी हसरत की निगाहों से देखते थे कोई भी ऐसा फ्रेंड जो फेसबुक पे अपनी तस्वीर लगा देता था चिलगोज़ा खाते हुए। तो हम कहते हैं हाई चिलगोज़ा खा रहे हैं, महंगा है यार, हर जाहिर है यार कोई अफोर्ड नहीं कर सकता है, जो बहुत लैंड लॉर्ड है इनके लिए तो कोई मसला नहीं होगा। बाकी ये तनख्वाह तक का हमारे जैसा जो है वो सिर्फ इसका ख्वाब ही देख सकता था। ये इतना महंगा हो गया था, 9,000 10,000 तक इसका रेट चला गया था, और आए दिन जो है इसकी न्यूज़ बन रही होती थी, चिलगोज़ा महंगा हो गया, चिलगोज़ा महंगा हो गया। और जिस तरह से चिलगोज़े के दाम बढ़ रहे थे, वो दिन दूर नहीं था कि जब लोगों ने मुंह दिखाई में जो है ना दुल्हन को दूल्हे की तरफ से चिलगोज़ा 1 किलो या 2 किलो दे देना था। और ये फिर बड़ी न्यूज़ बननी थी कि जी दुल्हा ने दुल्हन को 1 किलो चिलगोज़ा दे दिया, और सब लोग कहते वाह 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 क्या बात है। बल्कि देखें जी कितना अच्छा चिलगोज़ा है, और ये चिलगोज़ा है पाकिस्तानी इम्पोर्टेंट चिलगोज़ा नहीं है, और ये बहुत सस्ता है। अगर आपने लेना है तो वीडियो आपने एंड तक देखनी है, और आप भी ये चिलगोज़ा खा सकते हैं। हमें कोई ज़रूरत नहीं है इम्पोर्टेड फूड खाने की, हम पाकिस्तानी चिलगोज़ा खाएंगे और वो हमें सस्ते में मिलेगा। कहाँ से मिलेगा वीडियो में आपको बताऊंगी। ये देखिए कितना प्यारा मोटा ताज़ा चिलगोज़ा है, और बहुत मज़े का था फ्रेंड्स, बहुत यमी था। एक दफ़ा ये न्यूज़ भी चली थी, आपने भी सुनी होगी होपफुली, कि डाकुओं ने डकैती की और वो 10 बोरियाँ के 20 बोरियाँ जो थे वो लेके फरार हो गए चिलगोज़े की गोदाम से। और तकरीबन जो जिसकी मालियत थी वो तकरीबन कुछ करोड़ों में थी या अरब में थी, आई डोंट नो, लेकिन ये इतनी महंगी चीज़ हो गई थी कि कहते थे कि जिसके पास 1 किलो चिलगोज़ा है वो साथ में फिर गार्ड भी रखे। बहुत से फन बने। खैर, तो मज़े की बात ये है कि चिलगोज़ा जो है वो सस्ता मिल सकता है। कहाँ से मिल सकता है ये मैं आपको बता देती हूँ। फ्रेंड, मेरे हस्बैंड गए हुए थे अभी नॉर्दर्न एरियाज़ में, नारान कागान और कलाम, वहाँ पे वो काफ़ी घूम के आए। और आते हुए जो आपको पता है वहाँ से जब स्पेशली आते हैं तो सौगात लेके आते हैं, वहाँ से वो खुश्क मेवा जाते क्या हैं कुछ, तो 4-5 पैकेट थे, ज़्यादा नहीं थे, तो अच्छी क्वालिटी थी। और पैकिंग मैं आपको दिखा देती हूँ, मैं ये पेड नहीं है प्रोमो, इट्स नॉट पेड एट ऑल, इट्स नॉट पेड एट ऑल। तो ये मैं आपको दिखा देती हूँ, नाम भी बता देती हूँ, इंसाफ चिलगोज़ा, ये देखिए। और ये बहुत सस्ता है, आई गेस 2000 में ये हाफ केजी है, 4000 में केजी, तो बहुत सस्ता है, यानी कि फिर भी महंगा है लेकिन फिर भी आप खा सकते हैं एटलीस्ट। और ये 2000 का जो है हमने आधा किलो लिया था, और ये हम खा रहे थे, बहुत मज़े का चिलगोज़ा है। और इसके अलावा और भी ड्राई फ्रूट्स हैं, मैं पहले भी बता चुकी हूँ ये पेड नहीं है, आप चाहें तो मंगवा के खा सकते हैं, लेकिन ये है कि आप खा सकते हैं। कम से कम 6,000-8,000 जो सुनते थे हम इधर माल रोड पर भी जाते थे, तो ड्राई फ्रूट्स की शॉप पर जाकर हर दफ़ा रेट पता करना कि प्लीज़ बताइए चिलगोज़े का रेट क्या है। और एक वक्त ऐसा आया था चिलगोज़े का रेट पता करते हुए भी डर लगता था कि यार क्या कर रहे हैं, छोड़ो दफ़ा करो, इतना महंगा है खाया तो जाना नहीं है, रहने तो जरूरत ही क्या है पूछने की। हर हाल 4,000 में जो है 1 केजी मिल सकता है, और 1 केजी नहीं तो आप 1 पाव ले सकते हैं 1,000 में, तो वो बहुत मुनासिब है होपफुली। और मुझे फ्रेंड बताइएगा आप में से कितने लोगों ने जो है वो इसको खाया हुआ है, और कौन कौन जो है वो नॉर्दर्न एरिया से है, और ये जी ये क्लेम करते हैं अच्छा है, मैंने इनकी क्वालिटी चेक की है, और ये है 1977 से, 1970, जी, ओके, सिंस 1977 से, ये इतना पुराना है और ये नई नई है। और इनको नहीं पता था कि तहरीक इंसाफ भी आ जाएगी, उस वक्त शायद तहरीक इंसाफ बनी भी नहीं थी जब से ये जो है कंपनी कायम है। और इनके अच्छे ड्राई फ्रूट्स हैं, और ये देखें अच्छी खासी क्वांटिटी है, मैंने कुछ निकाली भी है इसमें से, मज़े के ड्राई फ्रूट्स हैं जी, यमी है और अच्छे से पाए हुए हैं, आप अगर खाना चाहें तो इसको जरूर खाइएगा। अगर आप चाहेंगे तो मैं नेक्स्ट जो वीडियो जो भी होगी उसमें इनके ऊपर एक फोन नंबर मेंशन है वो भी आपको बता दूंगी, और अदरवाइज आप सर्च कर सकते हैं, और अगर आपका कोई दोस्त अहबाब है वहाँ तो भी मंगवा सकते हैं, हो सकता है बड़े बड़े स्टोर्स पर भी इनकी जो है वो प्रोडक्ट्स पड़ी हूँ। बहरहाल ये है कि आप इंसाफ का चिलगोज़ा खा सकते हैं, हम जैसे तबका भी जो है वो चिलगोज़ा खा सकेगा। अच्छा, इसके अलावा इनके ये देखें, ये भी बड़े मज़े के हैं, मैंने एक दो जो है वो ट्राई किए थे, बहुत मज़े के थे, और अच्छे से जो है वो एक शायद बीच में पड़ा भी हुआ है, आपको मैं ट्राई करके दिखाऊंगी, मैंने खोले हुए हैं, ऐसे ही नहीं मैं आपको कह रही क्योंकि मैंने इनको ट्राई किया हुआ है, पहले मैंने ट्राई किया मुझे अच्छा लगे तो फिर मैंने सोचा चले मैं अपने फ्रेंड के साथ शेयर करती हूँ, अगर आप चाहें तो खा सकते हैं। और इसके अलावा ये देखेंगे बादाम, काबुली बादाम है, बहुत ही मज़े के, इसको मैंने नहीं खोला, ये मैं आपके सामने खोल लेती हूँ और ट्राई करते हैं कि कैसे काबुली है। हाँ, काफ़ी स्ट्रॉन्ग पैकिंग है, फिर जो देसी तरीका होता है हमारी मदद का, हाँ ऐसे भी खोल सकते हैं, अच्छे चलेंगे ट्राई करते हैं काबुली बादामों को, ये देखिए जी काबुली बादाम है, बहुत मज़े का लग रहा है, आउच, अगर आपके दांत मजबूत हैं तो तोड़ लीजिएगा, वरना अगर दांत पान टूट गया तो फिर वो मेरा रिस्क नहीं है। ये देखिए इसमें से बादाम निकला है, बहुत मज़े का लग रहा है, ये भी क्रिस्पी, आगे बताती हूँ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्रेंड्स, आवाज़ आई है आपको क्रिच की, बहुत यमी टेस्टी, और इनकी प्राइस मुझे याद नहीं है लेकिन ये है कि सस्ते हैं ओवरऑल, जो भी आपके ड्राई फ्रूट्स हैं उनमें सबसे सस्ते अंजीर ड्राई फ्रूट में, ये भी इनकी बहुत मज़े की थी, ये ट्राई की है मैंने, यमी है और मुझे बहुत कम पसंद आते हैं, आपको पता है खुली जो लेते हैं हमें बहुत ज़्यादा महक आ रही होती है अजीब सी, तो ये इस तरह से थी, ये मैंने कुछ निकाली भी हुई है इसमें से, इस तरह से इसमें से निकलती हैं, परोई हुई है, और ये देखें बहुत ईजीली निकल जाती हैं, और ये भी बहुत यमी है, ये देखें यमी फ्रेंड्स, बहुत मज़े लिया, किसी किस्म की कोई स्मेल नहीं है। तो इंसाफ फ्रूट्स, इंसाफ ड्राई फ्रूट्स वालों, हमारी तरफ से आपकी ये थम्स अप, बहुत अच्छी आप प्रोडक्ट बना रहे हैं, ऐसे ही अच्छा करते रहें और कम दाम में बेचते रहें ताकि आम आवाम भी फ़ायदा उठा सके, अगर हर कोई बहुत महंगी कर देगा तो फिर आम आवाम तो सोच भी नहीं सकती इस बारे में,
तो प्राइसेस जो है वो कुछ ही किया करें, लो रखा करें पकाया। आपको ये इन्फॉर्मेशन जो है वो अच्छी लगी होगी, और अगर आप खाना चाहते हैं चलो गोदा तो फिर आप भी ढूंढ लीजिएगा, सर्च कीजिएगा कहाँ से मिलेगा आपको इंसाफ। और अगर नहीं मिलता तो फिर मैं आपको फ़ोन नंबर दे दूँगी, आपको वहाँ से इंसाफ का ड्राई फ्रूट्स मिल जाएगा। ये पेड नहीं है दोस्तों, सो प्लीज़ याद रखिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन के हवाले से बहुत सी वीडियोस बनाई हुई मैंने डिफरेंट फंक्शंस पे, तो आप जाके उनको देख सकते हैं, आपके काम आएंगी। जब आप ऑटोमेटिक मशीन इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसको आप पॉज करके उसको बंद कर सकते हैं, उससे उसको कोई असर नहीं पड़ेगा। जस्ट लाइक एंड्रॉइड फ़ोन है आपका, उसमें बहुत से फंक्शन होते हैं, आप कोई एप्लीकेशन खोलते हैं आप उसको स्टॉप करके बंद कर देते हैं तो कोई इशू नहीं होता है इससे। आप बार बार अपनी मशीन को स्टॉप करके बंद करना चाहें, पावर ऑफ करना चाहें, तो कोई इसमें एरर नहीं आएगा। और मैं जो है वो टेक्निकल जो स्टाफ है हायर का, उनसे बाकायदा फ़ोन करके मालूम लेती हूँ, उसके बाद वीडियोस बनाती हूँ। तो मेरी वीडियोस में जो भी चीज़ें होती हैं वो आप कर सकते हैं वहाँ पर, नहीं आपकी मशीन के लिए डेफिनेटली मैं भी नहीं करूँगी, क्योंकि मैंने भी बड़ी मुश्किल से पैसे जोड़ जोड़ के लिए, अभी तनख्वाह तब का है और बहुत खुले पैसे नहीं है हमारे पास, अल्लाह का शुक्र है। लेकिन मैं भी कभी अपनी चीज़ जो है वो ख़राब नहीं करना चाहूँगी सिर्फ एक वीडियो के लिए, तो इस चीज़ को माइंड में मत रखा करें कि मैं वीडियो बनाने के लिए कुछ भी आपको बता देती हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।